गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का 8th चैप्टर कंक्यूरिंग डिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंक्यूरिंग डिस्टेंस मींस क्या है? हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स इतना नहीं था एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बात करने के लिए या ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए उनके पास इतना माध्यम नहीं था। ठीक है, सपोज हम हिली एरियाज की बात करें तो जनरली लोग वहाँ पे माउंटेन पासेस, मतलब जंगल को काट के या पहाड़ को काट के वहाँ पे पासिस बनाया जाता था। या गांव में देखेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था। चाहे कम्युनिकेशन मीन्स यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कहा जा रहा है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है बाय जैसे आपके मोबाइल फोन्स की बात हो गया है, या कोई बात को इशारे में किसी भी तरीके से दूसरे तक पहुँचाने का जो माध्यम है वो पहले नहीं था। धीरे धीरे जैसे हमारे एंसेस्टर्स पता, जैसे कबूतर को हम यूज़ करते थे एज ए माध्यम, एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ लेटर्स लिख के उसके गले में डाल देते थे, वो दूसरा तक पहुंच जाता था। लेकिन आज का जो जमाना हो गया, आज का जो वर्ल्ड हो गया, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ स्पीड। यहाँ पे सब कुछ, सारे चीज़ का स्पीड्स बढ़ गया है। जैसे आपका टेक्नोलॉजी की बात हो गया, डेवलपमेंट की बात हो गया, जिसमें इमीडिएट स्पीड्स बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। लोग आजकल जनरली कम्युनिकेशन स्किल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हर चीज़ को, जैसे हम जनरली चिट्ठी की ही बात कहा जाए, ठीक है, तो पहले क्या आता था उसमें धीरे धीरे जैसे चेंजेस होता चला गया, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ा, जिसमें पोस्ट कार्ड्स में चिट्ठी हम लिख के डाल देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कभी कभी चिट्ठी ना टाइम से या जब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता था, कुछ ओकेजन होता था कि इसी टाइम हमें चिट्ठी जाके पहुँचाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता था चिट्ठी पहुँचने में उससे भी 10-15 दिन और ज़्यादा टाइम चलता था। ठीक है, तो ये होता था शायद लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से। ठीक है, हमारे पास उस टाइम इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम नहीं था। अभी तो हमारे पास रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। लोग बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। एक जगह से दूसरे जगह को सफ़र करने के लिए बहुत टाइम लगता, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता था, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाता था। तो धीरे धीरे ये सब में चेंजेस होता चला गया। तो आज का जो चैप्टर है हम इसमें पढ़ेंगे कंक्यूरिंग डिस्टेंसेस। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, आज हम कहते हैं कि हमारे एक ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल, हम तुरंत कोई भी चीज़ को हम तुरंत पाए सोशल मीडिया की यूज़ करके हम सारा चीज़ में सारा जगह में तुरंत पहुँच जाते हैं। कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना है हम विदिन ए सेकेंड पहुँच जाते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो हम अभी जो पूरा वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह हम डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ फैसिलिटीज था। एक टाइम था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी माध्यम नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है ना। हम रोडवेज का भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडियाज का यूज़ करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सफ़र है हम इसका देखते हैं, स्टार्टिंग्स है। जनरली हमारे देश इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन का शुरुआत हुआ था, जेम्स वाट ने इसका शुरुआत किया था, कुछ कहते हैं इन्वेंट किया था जेम्स वाट ने। धीरे धीरे स्टीम इंजन चले आ गया, जैसे हमारे स्टीम इंजन जहाँ पे कोयला को यूज़ किया जाता था पानी को बॉयल करने के लिए, फिर जो स्टीम्स या भाप जो निकलते थे वो पिस्टन की तरह काम करते थे, और ट्रेन को पिस्टन की तरह काम करके उसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते थे, प्रेशराइज करते। ठीक है, तो लाइन वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे, हमारा जो सफ़र है फ्रॉम स्टीम इंजन तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारी जो आज जो है कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी डिस्टेंस को, जितना बड़ा डिस्टेंस क्यों ना हो, हम उसको बहुत विद इन आवर्स उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर अदर कंट्रीज को जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है बाय यूजिंग एयरवेज हम विद इन आवर्स हम पहुँच सकते हैं उस जगह पर। ट्रेन में सफ़र करेंगे तो हमें 2-3 दिन लग जाता है, लेकिन कम से कम और अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, किसी भी बड़ा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखते हैं, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वाज बाय जेम्स वाट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे पास ट्रांसपोर्ट की इतना अच्छा माध्यम नहीं था, लोग जनरली ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी या पैदल चलते थे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को भी वो कवर करते थे बाय फुट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम तब चेंज हुआ जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का डिस्कवर किया। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट था हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके, रेलवे ट्रेन से इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे रेलवे ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में। मुंबई को थाने पहला ट्रेन चला था 1853 में। कोल वाज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर इंजिन्स, यहाँ पे कोयला को यूज़ किया जाता था इंजिन्स में, जो स्टीम भाप वगैरह होता था जो एक पिस्टन की तरह काम कर रहा था, मैंने पहले बताया ट्रेन को आगे मूवमेंट करने के लिए वहाँ पे कोयला को यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से पॉल्यूशन रेट बढ़ गया,
हमारे जो नेचुरल रिसोर्स में कोयला की परसेंटेज धीरे धीरे कम होता चला गया, तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट को पता चला इसका कोई सेकेंड ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। देन आपने यहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह की यूज करते चले गए, फसल फ्यूल्स का यूज करते चले गए। आज हमारी ये कंडीशन से हमारी जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम चलाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेचर में एटमोसफियर में पॉल्यूशन की रेट कम हो गया है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है कोयला पेट्रोल डीजल ये सब कहीं ना कहीं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंजर्व होकर रह पाएगा। ठीक है, नाउ इट पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू रन वेरियस व्हीकल्स। आजकल लोग पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, जो हमारे लेस पोल्यूटन इफेक्ट एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रभाव उसका पड़ता है, पोल्यूशन नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। लेकिन बाकी जो हमारे कोयला वगैरह ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता था जिसकी वजह से हमारे नेचर में पॉल्यूशन बहुत हद तक बढ़ गया। ठीक है, वेरियस व्हीकल्स ऑन लैंड वाटर एंड एयर। फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एनेबलमेंट विच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम, इसका स्पीड इतना बढ़ चुका है हम कोई भी बहुत बड़ा डिस्टेंस को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। देन विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स बहुत कम समय में हम कोई भी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज साइनिंग डे बाई डे एज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ब्रॉट पीपल टू क्लोजर। हमारी जो दुनिया है अलग अलग जगह हमें इतना क्लोज ले गया है, क्यों ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम से माध्यम है वो बहुत बेहतरीन हो चुका है। हम कई भी जगह को पहले जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था कैसे जाए, लेकिन आजकल हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की इतना अच्छा माध्यम हो चुका है कि हम कोई भी जगह को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, देन देखते हैं हम नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत क्यों पड़ा। पहले क्या था, आदि मानव थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मैंने बताया था उनका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एजेस थे। पहले स्टोन एज चलता था, मतलब जो हमारी चार्ल्स डार्विन के हिसाब से, चार्ल्स डार्विन जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1859 में कहा था कि हमारे दुनिया में अर्थ में पहले जो ह्यूमन बींग्स का स्टार्टअप हुआ था वो 50 मिलियन ईयर्स एगो हो गया था, 50,000 मिलियन ईयर्स एगो हो गया था। और कुछ फॉसिल्स से हमें ये पता चलता है कि पहला इंसान जो दुनिया में आया था 50,000 मिलियन ईयर्स ही हुआ था। तो वहाँ पे लोग जगह टूल्स जो अस्त्र के लिए पत्थर को यूज़ करते थे, जिसके लिए हम इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। और लोगों की जो लाइफस्टाइल था वो नोमाड लाइफस्टाइल था, मीन्स क्या है, वो एक ही जगह पे रहते थे, एक झुंड बना के ग्रुप में रहते थे, क्योंकि जानवरों से, जंगली जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ज़्यादातर लोग जो है नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि नदी के किनारे रहने से उनका जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता था वो फुलफिल हो जाता था। तो लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी उनके पास नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, लोग का जनरली जो था वो उस टाइम जो लोगों का लाइफ स्टाइल था, उस टाइम का जो लोग था हम उसको फूड गैदरर बोलते थे। फूड गैदरर मीन्स क्या है, वो जीने के लिए खाना को इकट्ठा करते थे। उनका जो मेन इंटेंशन था और कुछ नहीं था, अपार्ट ऑफ लिविंग उनका जो मेन इंटेंशन था सिर्फ खाना को कलेक्ट करना था। कहीं पे जंगली जानवरों को मारना है, कहीं पे नट्स फ्रूट्स रूट्स ये सब कलेक्ट करना था। इसीलिए हम जो आदि मानव है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, उनको हम जनरली फूड गैदरर बोलते हैं। वो जब नदी के किनारे पाए जाते थे वहीं पर रहते थे, क्योंकि उनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम से कम वो फुलफिल हो जाता था। तो धीरे धीरे जैसे क्या हुआ, जैसे हमारे 25 मिलियन ईयर्स वो हमारे डिफोरेस्टेशन शुरू हो गया, पेड़ पौधे काटना शुरू हो गया, क्योंकि ह्यूमन ऑलवेज वांट्स रिजोल्यूशन, रिवोल्यूशन चाहता है ना, उसको चेंजेस चाहिए, पसंद है। तो धीरे धीरे चेंजेस होना चला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन या लोग जो है वो है अपने जो लाइफ स्टाइल को चेंज करने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसकी वजह से उसको आगे सपोज उसका जो हैबिटेट पेड़ पौधे काट दिए गए। पहले इंसान जो था बंदर चिंपांजी जंगल में क्या होता था, पेड़ से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कूदने लगता था। ठीक है, तो जब उनके साथ ये सिचुएशन हुआ, मीन्स डिफोरेस्टेशन हो गया, पेड़ पौधे काटे गए, तो उसको मजबूरन फोर्सफुली जमीन के ऊपर आके रहना पड़ा। जब वो जमीन के ऊपर रहने लगा, वो धीरे धीरे सीधा होकर चलने लगा। फिर धीरे धीरे जरूरतें भी चेंज हो गया, आग का डिस्कवर हुआ, या पत्थर को पत्थर टकरा कर उन्होंने आग का खोज किया, व्हील्स का यूज किया, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, खेती बाड़ी। तो जब एग्रीकल्चर की बात वो आता है, तब एक बात भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, खेती बाड़ी करेंगे उनके साथ, उसको एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह को दूसरी जगह को जाने के लिए, चाहे स्टार्टिंग में काम करेंगे स्लेज या बैलगाड़ी ये सब का यूज़ किया, एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, या एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है धान गेहूँ ये सब को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए, धीरे धीरे उसका जरूरत उसको महसूस होने लगा कि काश मेरे पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होता, जिसकी वजह से मैं नंबर ऑफ चीज़ को, बहुत सारे सामान को एक साथ कलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करके ले सकता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये कुछ
रीजन से जिसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ा, ठीक है, इट इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मेड नीड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वेरियस पर्पजेस, इंसान को अलग अलग पर्पजेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत था. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज स्ट्रेस लार्ज डिपेंड ऑन द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. एग्रीकल्चर आप खेती बाड़ी की बात कर लो, इंडस्ट्रीज ट्रेड ये सब के लिए जनरल उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत था. इंडस्ट्रीज पार्टिकुलर नीड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइट्स. इंडस्ट्रीज को जरूरत था ट्रांसपोर्टेशन का, क्यों, कुछ रॉ मटेरियल्स कंपनी में आना, फिर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट के लिए ये सब जरूरतें आगे बढ़ता चला गया. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, पहले मैन पावर का यूज होता था, फिर पता चला मैन पावर से अगर हम ज़्यादा मशीन पावर का यूज़ करेंगे दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री साइड के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स आना भी पड़ेगा और कुछ एक्सपोर्ट्स के लिए बाहर लेके जाना भी पड़ेगा, तभी तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंट्री में सुधरेगा, ठीक है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रॉ मटेरियल्स को आने लाने ये सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही ज़रूरत था, ठीक है. एग्रीकल्चर टू नीड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस इनपुट्स टू द फील्ड्स एंड सेंडिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट. खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर भी ये नहीं सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट के माध्यम था. एग्रीकल्चर के लिए कुछ एग्रीकल्चर से फर्टिलाइजर्स कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो मैनुअल्स वगैरह उनको लाने के लिए छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ा, ठीक है. हमारी हम बात नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम कैसे या ट्रांसपोर्ट या सब नहीं, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें क्यों पता चल गया. तो हम जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारा अनाज निकल रहा है तो उसको तो हम हाथ में नहीं ले सकते, तो उस चीज़ के लिए भी धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के माध्यम पता, ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस पता चला. ये सोचने लगे अगर हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन होता तो ये चीज़ को हम कम्फर्टेबली घर तक पहुँचा देते या मार्केट तक पहुँचा देते कुछ पैसा खाने के लिए, ठीक है. तो आज देखें इसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुआ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम्स माध्यम आ गए. जैसे आज हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज जाएगा, रेलवेज जाएगा, ये सब. वाटर ट्रांसपोर्ट में कैनल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. तो कल हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे. और आपका रह गया था ये जो लेसन 7 का वेयर इज द ग्रास नट्स, इसका सब टाइप्स हो गया है. इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको मैं कल सेंड कर दूँगी, ठीक है. और इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना, लेसन 8 कंकरिंग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है. थैंक यू.